यहाँ पर उस समय जो गार्ड हुआ करता था, गार्ड के रुकने का स्थान था और कुछ हथियार जो होते थे उन हथियारों को भी यहाँ पर जमा करके। इसकी मरम्मत इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हमें याद रहे कि 1857 की क्रांति के दौरान इसके अंदर कितने सारे तोप के गोले बरसाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा और लगा हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी सामान इसके अंदर रखे हुए हैं। ये पूरा हिस्सा है इस कश्मीरी गेट का, कितना शानदार ये हिस्सा लग रहा है। यहाँ से ये सड़क थी पहले के समय में और एक ये भी, ये जाने की थी और ये वाली आने की थी, तो ऐसा कुछ सीन था इसका। तो इसका नाम कश्मीरी गेट इसलिए ही पड़ा क्योंकि यहाँ से दिल्ली से एकमात्र जाने का रास्ता कश्मीर की तरफ यही था। हेलो दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आया हूं दोस्तों दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जगह पड़ती है कश्मीरी गेट। दोस्तों जो दिल्ली के अंदर रहते हैं उन लोगों को कश्मीरी गेट पता होगा जगह और नाम भी सुना होगा, लेकिन जो दिल्ली में नहीं रहते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि दिल्ली की जो ये जगह है कश्मीरी गेट, इसका नाम कश्मीरी गेट आखिर क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये है कश्मीरी गेट, पीछे देख सकते हैं आप मेरे ये दरवाज़ा है, इसी के नाम पर कश्मीरी गेट पड़ा था और इसको बनवाया था शाहजहाँ ने। इसके दो पहलू हैं, एक तो शाहजहाँ ने इसको बनवाया था और इसका कश्मीरी गेट नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस गेट से यहाँ से सड़क मार्ग शुरू होती थी जो कि जाती थी दिल्ली से कश्मीर की तरफ, और इसीलिए इसका कश्मीरी गेट नाम रख दिया गया था। और मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे ही दरवाजे पूरी दिल्ली के चारों तरफ बने हुए हैं दिल्ली में एंट्री करने के लिए और दिल्ली से बाहर जाने के लिए। ऐसे ही ये एक दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया था जो कि आज वर्तमान समय के अंदर आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कैसी है, थोड़ा टूट फूट गया है, और टूट फूट किस लिए गया है वो आप सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ये गेट कि कैसे ये गेट बनाया गया था और कैसे ये गेट में इतने सारे जो खड्डे हो रखे हैं कैसे हो गए ये गेट। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से लिखा हुआ है कि इसके अंदर कि किस लिए ये फेमस है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप मेरे ये पीछे जो गेट देख पा रहे हैं ये गेट शाहजहाँ ने बनवाया था, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली के चारों तरफ काफ़ी सारे ऐसे ही गेट बने हुए हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनमें से एक गेट है ये कश्मीरी गेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये सड़क थी पहले के समय में और एक ये भी, ये जाने की थी और ये वाली आने की थी, तो ऐसा कुछ सीन था इसका। तो इसका नाम कश्मीरी गेट इसलिए ही पड़ा क्योंकि यहाँ से दिल्ली से एकमात्र जाने का रास्ता कश्मीर की तरफ यही था और इससे गुजरकर ही लोग वहाँ तक जाया करते थे। दोस्तों अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये गेट कितना भव्य है। लगभग ये गेट 20 से 25 फुट का ये गेट है और इसके बीच में आप काफ़ी सारे ये निशान देख पा रहे हैं टूटने फूटने का। तो इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टूटने के निशान देख पा रहे हैं ये है तोप के गोले के निशान। पहले के समय में 1857 की क्रांति के युद्ध के दौरान जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बम के गोले दागे थे जिससे कि ये जो निशान आप देख पा रहे हैं सामने ये आज भी मौजूद है। दोस्तों ये तोप के गोले के निशान है यहाँ पर। इस गेट के ऊपर काफ़ी सारे तोप के गोले चलाए गए थे जो आप निशान देख पा रहे हैं इस तरफ, ये वाला हिस्सा ये आज भी टूटा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में किस कदर युद्ध हुआ करता था और हमारे जो 1857 क्रांति के जो वीर थे उन्होंने किस कदर अपना युद्ध लड़ा हमारे लिए, जो आज हम सुरक्षित इस आराम से घूम पा रहे हैं वो सब उन्हीं की वजह से। और ये अंदर का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कश्मीरी गेट का, दरवाजे का, और आज के समय में भी पूरा सुरक्षित ये है। और ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये वाला, ये हिस्सा गेट में लगाने का हिस्सा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गेट था काफ़ी बड़ा, जो ये जॉइंट यहाँ पर लगाया गया है गेट को फिट करने के लिए, इस तरफ भी लगाया गया है और ऊपर की छत को कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अभी मैं पीछे होकर आपको दिखाता हूँ पूरा गेट का ये सीन, कितना सुंदर गेट था। और ये सड़क है,
एक ये सड़क निकलती थी यहाँ पर जो दिल्ली से कश्मीर की तरफ जाती थी, और आज वर्तमान समय में देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो चुकी है। और कश्मीरी गेट जो बोलते हैं वो सिर्फ इसी गेट की वजह से बोलते हैं, इसका नाम रखा गया था कश्मीरी गेट। और अभी मैं थोड़ा सा और इसका हिस्सा दिखाता हूँ पूरा। यूं अच्छे तो दोस्तों दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे गेट हैं। मैं अभी उत्तरी दिल्ली के अंदर आया हुआ हूँ और हरियाणा से चलकर आया हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी गेट आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। काफ़ी बार मैं इस जगह पर आ चुका हूँ लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला था कि कश्मीरी गेट आखिर इसका नाम रखा क्यों गया था। और आज मैं आपको मेरे साथ ही शेयर करने जा रहा हूँ सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे नाम पुराने ज़माने में क्यों रखे जाते थे। और जो भी नाम हम रखते हैं या फिर पहले ज़माने में रखे जाते थे वो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से ही रखे जाते थे, और ऐसी चीज़ें होती थी जो आज भी मौजूद है दोस्तों, जैसा कि आप ये एग्ज़ाम्पल अभी देख पा रहे हैं। और अभी ये मैं जो हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला ये जो हिस्सा है इसके अंदर अपने जो सैनिक होते थे वो औजार वगैरह रखा किया करते थे। और ये गेट आप देख पा रहे हैं अभी इसके अंदर ये दसा हुआ है, आज भी उसी प्रकार ये लगा हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे सामान रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी सामान इसके अंदर रखे हुए हैं। अभी भी काफ़ी लकड़ी भी है यहाँ पे, लोहे का सामान भी रखा हुआ है, शायद ये गेट से रिलेटेड ही है सारा जो भी कुछ है। और इसको बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर पत्थर और चूने पत्थर के साथ में, और इस तरफ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ईंट जो होती थी उनका प्रयोग किया गया है, काफ़ी मजबूत ईंट है ये। और पूरा हिस्सा ये पूरे गेट का है। इसके बाद में अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला हिस्सा। अभी फ़िलहाल ये गेट बंद है दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं सकता अंदर जाके, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे चलकर कुछ रूम वगैरह इसके अंदर है इस कश्मीरी गेट के अंदर। और ऊपर की दीवार आप देख सकते हैं, तो ऊपर की दीवार कुछ ऐसे है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक किले के नुमा ये बनाए जाते थे गेट इसके साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दीवार की जो शेप है पूरी यहाँ पर किले के शेप के अंदर बनाया गया है पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं कश्मीरी गेट का ये पीछे तक का। और ये दीवार काफ़ी ऊंची बनाई जाया करती थी और आगे तक ये पूरी दीवार इस तरफ बनाई गई है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर सुरक्षा रखी जाती है इस गेट की। और ये जो निशान आप देख पा रहे हैं ये आज भी ऐसे कैसे यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। अभी चलते हैं उस तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ और दिखाता हूँ मैं पीछे का इसका पूरा नज़ारा, और एक बार मैं आपको अंदर ले जाकर इसका अंदर का सीन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पतली ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये अंदर का सीन है पूरा इस गेट का, और नीचे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अंदर आने के बाद ये काफ़ी सारे यहाँ पर आले बनाए गए हैं छोटे, और यहाँ पर भी ऐसे ही एक गुफा टाइप में यहाँ पर बनाई गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, और इसमें काफ़ी सारे औजार वगैरह रखा किया करते थे उस समय के अंदर। और ये पूरा हिस्सा है उस कश्मीरी गेट का रोड का। पीछे की तरफ अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा दूसरे एंगल से दिखाता हूँ इस गेट का सीन। ये आप देख पा रहे हैं पूरा हिस्सा, और इस तरफ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी दीवार पर कितने सारे तोप के गोले लगे हुए थे, आज भी मौजूद है। और ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा अंदर जाने के पीछे की तरफ का, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सामान रखा हुआ है फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, और छोटी छोटी लाखोरी ईंटें इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको दिखाई दे रही है ये लकड़ी का हिस्सा इसके अंदर लगा हुआ है, शायद यहाँ पर कुछ ऐसे ही चीज़ें लगाई गई होगी इस्तेमाल के तौर पर। और ये जो यहाँ पर सिल्ली लगाई गई है ये बलुआ पत्थर के अंदर, ये पूरा हिस्सा है सामने का इस गेट का दोस्तों। ये हिस्सा है कश्मीरी गेट के बिल्कुल पीछे की तरफ, और ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये टूटा हुआ हिस्सा, और इस तरफ आकर हम पूरा दीवार देख सकते हैं। और ये सामने पूरा एक पार्क बना दिया गया है इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अवशेष। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो इसके अवशेष टूटे हुए थे ये सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये लाल पत्थर यहाँ पर लगाए
गए थे इस गेट के अंदर और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। और ये जितने भी यहाँ पर टूटा है गेट, जितनी भी टूट फूट हुई है वो सब यहीं पर आज मौजूद है। ये पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, आज हम देख सकते हैं ऐसे नमूने जो हमें देखने चाहिए हमारे इतिहास के लिए कि कैसे हमारा इतिहास हुआ करता था और हमारे इतिहास के अंदर कैसी कैसी चीज़ बनाई जाती थी। और ये हिस्सा सामने है कश्मीरी गेट का और ये सामने वही है हिस्सा जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये पूरा हिस्सा है इस कश्मीरी गेट का, कितना शानदार ये हिस्सा लग रहा है यहाँ से। और इसी गेट के वजह से ये पूरा इलाका फेमस है कश्मीरी गेट के नाम से। और इसी मार्ग के जरिए अंग्रेज़ जाना चाहते थे दिल्ली के अंदर और काफ़ी सारे प्रयास यहाँ पर अंग्रेज़ों को रोकने का किया, लेकिन उनके पास ऐसे हथियारबंद होने की वजह से हमारे जो सैनिक थे वो नाकाम रहे। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इतना नुकसान पहुँचाया और बाद में यहाँ पर एक ये पूरा कश्मीरी गेट जो है इसके अंदर जो रास्ता था कश्मीरी की तरफ जाने के लिए वो बंद करवा दिया गया। दोस्तों ये कोठड़ी है पूरी यहाँ पर जो रूम टाइप में बनाई गई है, ये यहाँ पर उस समय जो गार्ड हुआ करता था गार्ड के रुकने का स्थान था और कुछ हथियार जो होते थे उन हथियारों को भी यहाँ पर जमा करके किया करते थे। और ये गेट का हिस्सा यहाँ पर रखा हुआ है एक जो जाली की शेप के अंदर है, पूरा लोहे से बना हुआ है और ये पूरा हिस्सा है इसका अंदर का। ये पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं पीछे का मेरा, ये पूरा हिस्सा है इस गेट का और काफ़ी अच्छा दिखता है दिखने में। काफ़ी अगर इसका पूरा मरम्मत की जाए तो काफ़ी अच्छा दिखे, लेकिन इसकी मरम्मत इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हमें याद रहे कि 1857 की क्रांति के दौरान इसके अंदर कितने सारे तोप के गोले बरसाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा और आज भी ये टूटा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा हिस्सा इसका अच्छे से देख पा रहे हैं, पूरा ये हिस्सा तरफ का हिस्सा दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये साइड में इसके बनाया गया है और इन पत्थरों के ऊपर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कुछ ना कुछ उस भाषा के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने गाटर पट्टियाँ यहाँ पर ये रखी हुई है आज भी सही सलामत, और सामने पत्थर रखे हुए हैं पूरे उस टाइम पर जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो जो हिस्से थे वो आज भी संभाल कर रखे हुए हैं ताकि हमें याद रह सके कि किस कदर हमारे वीर सैनिकों ने अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध लड़ा था। और ये हिस्सा है पूरा कश्मीरी गेट का और आज वर्तमान समय के अंदर इसके बाहर की तरफ ये प्रांगण में काफ़ी अच्छा पार्क बना दिया गया है और यहाँ पर गार्ड की सुविधा भी है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में भी यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था थी, जो अंदर आपने हिस्सा देखा था गार्ड उसी के अंदर रहा करता था। ये पूरा हिस्सा है इस कश्मीरी गेट का, ये बाद में ये जो फ्रश देख पा रहे हैं आप ये बाद में है इस गेट के फ्रंट का हिस्सा जो कि आप देख पा रहे हैं बीच में ये एक गुम्बद टाइप में जो अंदर की ओर धसा हुआ है उसके ऊपर जस्ट ऐसे ही बना हुआ है और उसके अंदर एक और झरोखा बनाया गया है। और सामने ऊपर की दीवारें आप देख सकते हैं ये है एक किले नुमा दीवार और ये गेट इस तरफ का है पूरा जाने का और ये गेट है आने का। उस समय के अंदर भी गेट ऐसे ही बनाया करते थे कि एक रास्ता जाने का होता था और एक रास्ता आने का होता था। और ये गेट था दिल्ली से कश्मीर की तरफ जाने का और यहाँ पर ऊपर जाने का भी रास्ता है लेकिन अभी बंद किया गया है फिलहाल। ये ऊपर जाने का यहाँ से रास्ता है, पूरा हिस्सा है ये कश्मीरी गेट का। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली है और अच्छे से देखा कश्मीरी गेट आखिर नाम क्यों पड़ा और आज वर्तमान समय के अंदर किस कदर ये अभी गुजर रहा है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करके सबके पास में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूँ आपको तो तुरंत आपको मिल सके। तो अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ आपको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।